मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो ग्राफ कैसे बनता है, वर्ड प्रॉब्लम ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइम का आता है, तो आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज फॉर द फर्स्ट नंबर द फेयर रुपीज 8 और फॉर द सब्सक्राइब डिस्टेंस इज रुपीज 5 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है हम एक टैक्सी को किराए में लेते हैं, उसका फर्स्ट किलोमीटर किराया 8 रुपया पड़ता है, फिर हर किलोमीटर का कितना पड़ता है 5 रुपीज। तो कह रहा है टेकिंग आप दो ये कर दो लेट डिस्टेंस कवर्ड बी एक्स किलोमीटर और फिर बी रुपी वाई। तो ये कह रहा है हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स किलोमीटर कर दिया, फिर रुपीज वाई। तो ये कह रहा है कि जितना ज्यादा उसे हमें क्या पड़ता है, तो इसका एक क्वेश्चन क्या बोलिए वाई इज इक्वल टू ये एक्स माइनस वन इंटू आई प्लस ए। अब मैंने जो है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू आई प्लस ए क्या है एक्स, एक्स मतलब क्या टोटल डिस्टेंस है जो एक किलोमीटर किराया गया 8 रुपया, तो ये तब एक किलोमीटर माइनस किया है, बाकी जितना है फाइव से मतलब किया जो एक माइनस किया उसको एक यहाँ लिख दिया। ये कहने का मतलब है जो एक किलोमीटर में माइनस किया ये एक यहाँ लिख दिया रुपया फर्स्ट किलोमीटर का, बाकी जो बचे होते हैं वो। तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर किया हो गया आई एक्स प्लस फाइव ना माइनस फाइव प्लस एट। तो क्या गया वाई स्क्वायर टू फाइव एक्स प्लस थ्री आई, ये क्वेश्चन बन गया। अब इससे ग्राफ बनेंगे, देखो जैसे एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 है तो वाई स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा फाइव इंटू 1 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा 8। अब एक्स स्क्वायर वैल्यू 2 रख दिया तो वाई स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा 5 इंटू 2 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा 13। और एक्स स्क्वायर वैल्यू 3 रख दिया तो वाई स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 5 3 15 प्लस 3 इज कब क्या आएगा 18। तो ये आप एक्स और वाई देखो एक्स आपने 1 रखा तो वाई क्या आ गया 8 और एक्स आर आपने 2 रखा तो क्या आ गया 13 और एक्स 3 का क्या आ गया 18। तो इस हिसाब से इसका ग्राफ बना रहे, तो ग्राफ बनाना है ग्राफ आपको बता रखा है अभी अब ग्राफ अपने वैसे बनाने हैं पहले देर के और ये करना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 को भूक गए इसको छोड़ क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या है देखो मैंने इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी अंडर एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टेकिंग कॉन्स्टेंट फोर्स। देखो कॉन्स्टेंट फोर्स ये क्वेश्चन नंबर है 6। फोर्स 5 यूनिट है और कहना है आप वर्ग तो ग्राफ बनाना है वर्क लेट डिस्टेंस बी एक्स और वर्क डन बी वाई ये रहा। तो आपको मालूम पड़ रहा है डब्ल्यू वर्क इज डब्ल्यू क्या आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रखा तो वाई बढ़ गया
तो फिर आप क्या बोलेंगे देखो, एक्स और वाई यहाँ हमने वन रखा, टू रखा, थ्री रखा, यहाँ फाइव टेन फिफ्टीन। अब देखो इसमें ये क्या आ रहा है, जब दो यूनिट पिछले दो यूनिट पहले ही कर दिया दो यूनिट, तो इसको क्या लगे फोर्स दो यूनिट। पहला क्वेश्चन है तो क्या गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर टू दे दिया, तो वाई स्क्वायर टू क्या होता है फाइव एक्स, तो वाई स्क्वायर फाइव इंटू टू स्क्वायर टू टेन। सेकेंड क्या है और जीरो यूनिट, तो एक्स स्क्वायर टू जीरो दे दिया, तो वाई स्क्वायर लगेगा फाइव इंटू जीरो स्क्वायर टू जीरो। तो यह अब सपोज करो जो ग्राफ बनाते हैं और बनाता हूँ उसका ग्राफ को बनाते हैं, पहले ही आपका ग्राफ का बन गया ये है। अब आपने क्या करना है, ये करना है, मैंने कहा था बीचों बीच में ये लोगे कहा था और ये लोगे, यहाँ पर जीरो और ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अब ये दो एक्स क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री माइनस क्या है, अब यहाँ यह फाइव टेन फिफ्टीन, तो यहाँ फाइव और ये फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी ऐसे लो, यहाँ माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव ऐसे लो। अब देखो जैसे पहला एक्स वन है वाई फाइव, तो एक्स वन है वाई फाइव तो यहाँ पर आ रहा है, फिर क्या है वन कॉमा फाइव, फिर क्या है एक्स टू है वाई टेन, देखो यहाँ पर आ रहा है तो क्या क्या टू कॉमा टेन, फिर क्या है थ्री और फिफ्टीन है ये यहाँ पर आ रहा है थ्री कॉमा फिफ्टीन। बस मैंने कहा था इसको बुलाते ही लंबी लाइन ड्रॉ हो जाए, तो ये गर्रा बन जाएगा, ऐसे सब बना रहा है, ऐसे अकॉर्डिंग सही बैठता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये कह रहा है यामिनी एंड फातिमा टू को स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ स्कूल पूरे द कंट्रोल हंड्रेड रुपीज। अब कह रहा है ये रिलीफ फंड लेट, ये है क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट यामिनी, पहला क्या है यामिनी कॉन्ट्रीब्यूट बी रूपी एक्स और फातिमा कॉन्ट्रीब्यूट बी रूपी वाई। अब दोनों ने मिला के कितने रुपये जमा किया गया हंड्रेड, कितने के हंड्रेड, तब ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा हंड्रेड। वैसे एक क्वेश्चन बन गया आपके दोनों से मिला के, अब यहाँ और कुछ नहीं रखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पैर पड़ गया जैसे मैंने आपके लिए एक्स स्क्वायर क्या किया थर्टी, तो क्या गया थर्टी प्लस वाई स्क्वायर टू हंड्रेड, और वाई स्क्वायर क्या गया हंड्रेड माइनस थर्टी स्क्वायर टू से एक्स स्क्वायर क्या रखा फोर्टी, तो फोर्टी प्लस वाई स्क्वायर टू क्या गया हंड्रेड, तो वाई स्क्वायर क्या गया हंड्रेड माइनस फोर्टी तो क्या गया सिक्सटी, और एक्स स्क्वायर क्या रखा फिफ्टी, तो वाई स्क्वायर क्या गया हंड्रेड ना फिफ्टी प्लस वाई स्क्वायर टू हंड्रेड, और वाई स्क्वायर क्या गया हंड्रेड माइनस फिफ्टी स्क्वायर टू फिफ्टी, तो ये बन गया आपका ग्राफ। एक्स और वाई, एक्स आपने थर्टी रखा तो ये सेवेंटी आ गया, फोर्टी रखा ये सिक्सटी आ गया, ये फिफ्टी रखा ये फिफ्टी आ गया, भाई ये चार बनाने के लिए है, तो आपने क्या किया इसके बाद ग्राफ बनाना, आपको सब बताया था मैंने, आपने ग्राफ का भी बनाना है यहाँ पर है ये, जैसे कि मैंने वही कहा है ठीक बीजे बीजे लाइन ड्रॉ होगी, ठीक बीजे बीजे लाइन ड्रॉ होगी, ये एक्स और एक्स डैश वाई और वाई डैश यहाँ पर जीरो,
30, 40, 50. तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये लाना है। अब वह 130 है, देखो 30 का और ये क्या आ गया 70, तो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा क्या 40 और ये आ जाएगा 60 यहाँ पर ही। फिर क्या है 50 और 50 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको ऐसे करके लाइन ड्रॉ करना है। तो तीनों पॉइंट हिसाब से मिल लीजिए तो हिसाब से ग्राफ बनता है। आगे समझे तो ये आपको करना है और एक ग्राफ कॉपी में करना है अपने मन से, ठीक है।